बांदा कोतवाली नगर अंतर्गत रहने वाली महिला ने अपने पति को उसके प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा तो पति का गुस्सा सातवें आसमान पर फूट पड़ा और दे डाली तलाक देने की धमकी। पति पत्नी के बीच में सात माह से चल रहा आपसी विवाद, जिसको लेकर के पत्नी ने आज चौकी में बताई आप बीती की सारी दास्तान। फिर भी पति के सर से नहीं उतरा प्रेमिका के प्यार का भूत और प्रेमिका के सामने ही पत्नी से अलग रहने की जिद पर अड़ा रहा प्रेमी जेई। पत्नी ने बताया कि साहबजादे राजकीय निर्माण विभाग शाखा में जेई के पद पर तैनात हैं और इसका भूत इस कदर सवार है कि एक बच्चे के पिता होने के बावजूद भी पत्नी को तलाक देने की कवायद में जुटे हुए हैं। हमारे पति संघ। अच्छा, कहाँ करते हैं आपके पति काम? राजकीय निर्माण निगम बांदा में। क्या नाम है इनका? आनंद कुमार। आज लगभग कितने दिनों से लड़ाई चल रही है आपके बीच में? सात महीने में। ये क्यों ऐसी लड़ाई हो रही है बार बार? लड़कियों के चक्कर में। क्या इनके काफ़ी लोगों से अफेयर चल रहे हैं? आज आप कैसे पकड़े इनको? ये हमें रास्ते में मिल गए थे, एक लड़की के साथ गाड़ी में बिठाए जा रहे थे। मेरा मामला ये है कि मेरी बहन जो है 3 साल पहले शादी हुई थी मिस्टर आनंद विश्वकर्मा से। ये जय निर्माण निगम में जय ही है। ये अक्सर लड़कियों से ज़्यादातर बात करते थे। मेरी बहन जब पकड़ती थी तो उससे कहा गाली गलौज करते थे, मारपीट भी करते थे। इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में अप्रैल में वही समथिंग 15 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास, कन्फर्म डेट याद नहीं है, उस टाइम जो है उसको मारा पीटा था जब उसने पकड़ लिया इसी लड़की से बात करते समय। तो यहीं पर आकर के साहब को एप्लीकेशन दी गई थी चौकी प्रभारी साहब को सिविल लाइन में। तो ये उसके दूसरे जब साहब ने इनको हड़काया और कहा कि कायदे से रहिए, तो घर छोड़ कर भाग गए। ये इस समय तुलसी नगर में रह रहे हैं किसी दूसरे के मकान में। मेरी बहन अकेले रह रही है। रोड पकड़ी गई वो कौन है? जो पकड़ी गई है ये उनकी गर्लफ्रेंड है, सहेली जो भी हो सब जाने। लेकिन अभी वहाँ पकड़ा ये हमने वहाँ देखा इनको प्रशिक्षण संस्थान में। आज प्रशिक्षण लेने गए थे वहाँ से। नहीं आता